आप सभी का स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया रेसिपी। बनाने में आसान है, हेल्दी है, नाश्ता, टिफिन, खाना कभी भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पत्ता गोभी को बारीक चॉप कर लें। इस रेसिपी में ज़रूरी नहीं है कि आप पत्ता गोभी डालें, पर पत्ता गोभी खाने का ये काफ़ी टेस्टी तरीका है। तो सबसे पहले मैं मोटे मोटे टुकड़ों में पत्ता गोभी को कट करके अपने चॉपर में डाल रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो ग्रैंड हैंड ब्लेंडर विथ चॉपर। ये हैंड ब्लेंडर भी है और साथ में इसका चॉपर भी है। पत्ता गोभी हमें एकदम बारीक चॉप चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। इस रेसिपी में प्याज आप दो मीडियम साइज के यूज करें, आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं, पर ज्यादा प्याज के साथ ये थाली पीठ अच्छे लगते हैं। प्याज को आप बहुत बारीक चॉप ना करें, थोड़ा सा मोटा रखें, आपको अच्छा बाइट मिलेगा और थाली पीठ टेस्टी बनेंगे। फिर इसमें जाएगा धनिया, तो धनिया एक अच्छी फ्रेशनेस ऐड करता है। अब एक बोल या परात में ले आधा कप ज्वार का आटा, दो टेबलस्पून बेसन, एक टेबलस्पून चावल का आटा, एक टेबलस्पून गेहूं का आटा। साथ में डालेंगे मसाले, तो थोड़ी सी तिल, थोड़ी सी हल्दी 2 से 3 चुटकी, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर और नमक। इन सारी सूखी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर डालें अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप बारीक चॉप की हुई पत्ता गोभी, वैसे आप चाहें तो पत्ता गोभी स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला ले ताकि जो पत्ता गोभी है, प्याज है, इनसे जितना पानी निकलना है वो निकल जाए। उसके बाद इसमें पानी डालें और इसका एक डो बना लें। थाली पीठ का आटा आपको नॉर्मल गेहूं के आटे को गूंदने की तरह नहीं लगेगा, थोड़ा चिपचिपापन होगा, पर कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस तरह से एक बॉल बन जानी चाहिए, इतना आपको पानी डालना है। अब एक मलमल या फिर पतला कॉटन का कपड़ा ले और उसे पानी से गीला करके निचोड़ ले। एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लें। मैं लोहे का तवा यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉनस्टिक या दूसरा तवा यूज कर सकते हैं। अब कपड़े को इस तरह से फैला लें। थोड़ा सा पानी छिड़कें। थाली पीठ को शेप देने के लिए आपको उंगलियों का यूज करना पड़ेगा, बेलन से ये नहीं होता है। तो प्रेस करें, मिक्सचर चिपकता है तो उंगलियों को पानी में डिप करें, इसीलिए साइड में एक बोल में अपने पानी रखें। तो जितना आप पतला बनाना चाहते हैं थाली पीठ को, उतना पतला बना सकते हैं। काफी लोग थोड़ा मोटा पसंद करते हैं, तो जैसा आपका टेस्ट हो, जैसा आपको पसंद हो, उस हिसाब से बनाएं। बीच में और साइड में छेद बनाएं, आप केवल बीच में भी छेद बना सकते हैं। तो इन छेद में से हम तेल डालेंगे इसे पकाते समय, तो अच्छा एक खस्ता कुरकुरापन आएगा और ये जल्दी भी पक जाएंगे। कपड़े को उठाएं, आपको बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से उठाएं और तवे पर रख दें। तवा गर्म होना चाहिए लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से। अब इसके बाद आप मीडियम फ्लेम पर एक साइड से इसे पकने दें जब तक कि साइड लूज ना हो जाए, और डाल लें थोड़ा सा तेल। तो अब नीचे की साइड लूज हो गई, यानी अच्छे से पक गई है, तो आप पलट सकते हैं थाली पीठ को। अब पलट पलट के हल्का सा प्रेस करके पलटे से आप इसे पकाएं। थाली पीठ में हल्का सा खस्तापन भी होता है, मतलब खस्ता भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। पलट पलट कर आप इन्हें बनाएं, प्रेस करें। आप चाहें तो एक ही टाइम पे एक बड़ा सा थाली पीठ भी बना सकते हैं।
कपड़े को आपको वापस से धोकर निचोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसी में वापस से पानी छिड़के और बाकी के थाली पीठ बनाएं। ये एक पॉपुलर महाराष्ट्रीयन रेसिपी है, इसके कुछ वेरिएशंस भी हैं, तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं वो भी शेयर करूंगी। यहाँ पर आप तेल का यूज अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज्यादा जैसा आप चाहें। ये बनाने में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कपड़ा देखकर कि ये जो प्रोसेस है लंबा है, डिफिकल्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रादर रोटी बेलने से ज्यादा आसान है। थाली पीठ आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसे परोसे आप थोड़ा सा दही, चटनी, अचार और घर पर बने हुए मक्खन के साथ। अभी घर पर बना हुआ मक्खन नहीं है, पर अगर है आपके पास तो जरूर उसे सर्व करें, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और वीडियो देखने में भी मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।